देखो बच्चों, आज की क्लास में हम देखेंगे EWS, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होते हैं, उनके रिजर्वेशन के बारे में जो प्रोविजन है उन चीजों को देखेंगे। तो आज की क्लास में क्या देखेंगे हम, आर्टिकल 15 का जो क्लॉज 6 है, आर्टिकल 16 का जो क्लॉज 6 है, और 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है 2019 का, वो है ना, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण। तो ये चीजें आपको कहाँ मिलेंगी, आर्टिकल 15 क्लॉज 6 में, और 16 आर्टिकल 16 के क्लॉज 6 में मिलेंगी। तो देखिए, जैसे पिछली क्लास में हम जो देख चुके थे उसमें क्या था कि आर्टिकल 15 का क्लॉज 6 क्या बोलता है कि इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड 6 या अनुच्छेद 19 के खंड 2 की कोई बात राज्य को पहला का जो है खंड 4 और खंड 5 में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी, और खंड उपखंड ख जो है वो क्या बोलता है कि खंड 4 और खंड 5 में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से वहां निवारित नहीं करेगी, जहां तक ऐसे उपबंध ऐसी शैक्षिक संस्थाओं में जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 30 के खंड 1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक संस्थाओं से भिन्न प्राइवेट शैक्षिक संस्थाएं भी हैं, चाहे वे राज्य द्वारा सहायता प्राप्त होने वाली हैं या सहायता पाने वाली हैं, प्रवेश से संबंधित हैं, जो आरक्षण की दशा में विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त प्रत्येक प्रवर्ग में कुल स्थानों के अधिकतम 10% के अध्यधीन होगा। तो ये चीज हम पिछली कक्षा में देख चुके थे डिटेल में, और वैसे ही क्या है, 16 आर्टिकल 16 अनुच्छेद 6 का खंड 6 जो है वो इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को खंड 4 में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों के पक्ष में नियुक्तियां और पदों में विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त तथा प्रत्येक प्रवर्ग में पदों के अधिकतम 10% के अध्यधीन आरक्षण के लिए कोई उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। तो यहाँ पे जो देखने वाली बात है वो आरक्षण का जो प्रतिशत है आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए वो कितना है, 10% है ना, और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण जो है वो आपको मिलेगा अनुच्छेद 15 खंड 6 में, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सार्वजनिक रोजगार में जो आरक्षण है वो मिलेगा आपको अनुच्छेद 16 के खंड 6 में। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी क्योंकि हमने पिछली क्लास में ये देख चुका है। अब देखिए, कुछ जो चीजें हैं उनको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि विस्तृत रूप में ये क्या है। जैसे देखें कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण को देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए कि ये सबसे पहली बात तो 103वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। इस प्रावधान को प्रभावकारी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने क्या किया कि 2019 में शिक्षण संस्थाओं में नामांकन के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण संबंधी आदेश जारी किया। इस आरक्षण का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर किनके लिए था, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उन व्यक्तियों को मिलेगा जो अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पहले से ही जारी आरक्षण की व्यवस्था से आवृत नहीं हुए हैं। तो इनसे जो बच गए हैं उन लोगों के लिए था, और वो क्या है, सामान्य वर्ग में गिनती में आते हैं। अब देखो कि अब इनको कैसे अहर माना जाएगा, उस चीज को देखने का प्रयास करते हैं। तो देखो, जिन व्यक्तियों की पारिवारिक वार्षिक आय, पूरे परिवार की वार्षिक आय 6 लाख रुपए से कम है, वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रूप में चिन्हित किए जाएंगे और आरक्षण का लाभ उठा पाएंगे। तो किनको मिलेगा, जिनके परिवार की कुल आय जो है वो 6 लाख से कम, उनके। तो आय के अंतर्गत क्या क्या स्रोत, अब देखो स्रोतों स्रोतों की गणना करेंगे ना कि आय के स्रोत क्या क्या होते हैं सर। तो देखो, इसमें देखा जाएगा वेतन, खेती,
व्यवसाय, व्यापार आदि, और आवेदन करने के वर्ष के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के आय को ही आधार बनाया जाए। तो आप जब आवेदन करेंगे तो उसके पिछले वर्ष में आपने आपकी आय क्या रही है उसको आधार माना जाए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। अब देखो, वैसे व्यक्तियों को जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से बाहर रखा गया, जिसके परिवार निम्नलिखित में से एक भी प्रकार की परिसंपत्ति का स्वामित्व रखते, तो किनको नहीं मिलेगा उनके बारे में प्रावधान बताया गया कि 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि हो जिसके पास। दूसरा चीज है, 1,000 वर्ग फीट या उससे अधिक का बड़ा आवासीय फ्लैट है जिनके पास। तो 1,000 वर्ग फीट से कम का अगर फ्लैट है तो वो गिना जाएगा, लेकिन अगर उससे ज्यादा है तो उनको नहीं गिना। अब अधिसूचित नगर पालिकाओं के अंतर्गत 100 गज या अधिक बड़ा आवासीय भूखंड का प्लॉट है अगर, तो उनको नहीं गिना जाएगा। अधिसूचित क्षेत्रों के बाहर 200 गज या अधिक बड़ा आवासीय भूखंड है तो उनको लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है। अब देखो, आर्थिक रूप से कमजोर कोटि जो है, जो दर्जा है, उसका निर्धारण करते समय परिवार द्वारा विभिन्न नगरों, एक से ज्यादा स्थान अगर होंगे, वहां धारित संपत्ति को एक साथ जोड़कर देखा। मतलब जैसे आपका रायपुर में जो भी जमीन है, बलौदा बाजार में भी है, तो उनको, उन संपत्तियों को भी जोड़ा जाए। ठीक है। और उसके बाद ये है, अंतिम जो बिंदु है वो ये है कि इस उद्देश्य के लिए परिवार के अंतर्गत लाभार्थी के माता पिता, ठीक है, तथा 18 वर्ष से कम आयु के भाई बहन, उसका या उसकी पति पत्नी तथा 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे शामिल माने जाए। तो किनको किनको लाभ मिलेगा? लाभार्थी के माता पिता, ठीक है, 18 वर्ष से कम आयु के भाई बहन, उसका या उसके पति पत्नी, या फिर 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शामिल किया जाए। तो ये चीज क्लियर है कि शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण जो होगा वो इन आधारों पे मिलेगा। तो अब देखते हैं हम कि आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं, ठीक है, उनको सार्वजनिक रोजगार में कैसे आरक्षण मिलेगा, इस बात को समझते। तो इसमें क्या है कि ये जो संशोधन है ये भी 103वें संशोधन से जोड़ा गया है, और इसमें क्या बोलता है कि इस प्रावधान को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने क्या किया था, 2019 में भारत सरकार के असैन्य पदों, सिविल पोस्ट जो होते हैं, ठीक है, तथा अन्य सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% का आरक्षण संबंधी आदेश जारी। अब इस आरक्षण का लाभ उन्हीं व्यक्तियों को मिलेगा जो पहले से जारी अनुसूचित जाति, मतलब ये चीज पहले भी क्लियर कर चुके हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की व्यवस्था से आवृत नहीं हुआ, मतलब इनको इनका लाभ नहीं मिल रहा है, तो इनको छोड़कर जो बच गए हैं और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उनको इनका लाभ। तो इस विषय में जो अर्हता है उसका उल्लेख जो है कि 15(5) में जो किया जा चुका है ना, जैसे हमने अभी बताया आपको कि 15 में किन किन को आरक्षण का लाभ मिलेगा शैक्षिक संस्थाओं में, तो उन्हीं आधार पे ये चीजें आपको सार्वजनिक रोजगार में भी मिलेंगी, तो उसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद देखो कि किन किन शर्तों को पूरा करने वाले वैज्ञानिक एवं तकनीकी पदों को उक्त आरक्षण से मुक्त रखा। तो तकनीकी पद है और वैज्ञानिक पद है ना, उनको इनसे मुक्त रखा गया, उस पद में आरक्षण नहीं मिले। तो वो पद है, वो देख लेते हैं कि ग्रुप ए, ठीक है, निम्न ग्रेड में लोअर ग्रेड के ऊपर के ग्रेड के जितने भी पद होंगे उसमें ये लागू नहीं होगा। उसके बाद वे मंत्रिमंडल सचिवालय के आदेश के अनुरूप वैज्ञानिक तथा तकनीकी रूप में वर्गीकृत हों, जिसके अनुसार प्राकृतिक विज्ञान अथवा परिशुद्ध विज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुप्रयुक्त विज्ञान की आवश्यक योग्यता वाले वैज्ञानिक अथवा तकनीकी पदों का निर्धारण किया जाता है, तथा अभ्यर्थी को उसी अनुरूप अपने ज्ञान का उपयोग करने का कर्तव्य निर्वहन करना होता है। तो ऐसे पदों में ये आरक्षण आपको नहीं मिलेगा। और उसके बाद है, पद शोध कार्य के लिए हो, तो शोध कार्य के लिए होगा, अथवा शोध कार्य के संगठन में अगर आप जाते हैं और आपको शोध कार्य करना होता है तो यहाँ पे आपको, या उसके मार्गदर्शन के लिए हो, गाइड करने के लिए हो, या डायरेक्शन देने के लिए हो, तो ऐसे पदों में भी आपको सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का लाभ नहीं मिले। तो ये चीज थी जो हमने देखी कि
शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण किस प्रकार मिलेगा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को, और कमजोर वर्गों के लिए सार्वजनिक रोजगार क्षेत्र में कैसा मिलेगा, तो आरक्षण असैन्य पदों पर ही मिलेगा और जो पद मैंने अभी बताए वो उन पदों पर आरक्षण नहीं होगा। तो ये था आपका जो संवैधानिक प्रावधान था वो देखते हैं। अब देखे अब उसके बाद देखते हैं हम कि 103वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2019 है, ठीक है, इसके कुछ प्रमुख बिंदु देखते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा 103वें संविधान संशोधन 2019 के प्रभावी होने का जो तारीख वो है 14 जनवरी 2019। फिर 12 जनवरी 2019 को क्या था, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 103वें संविधान संशोधन को सहमति प्रदान की। उसके बाद 124वां संविधान संशोधन विधेयक जो था 2019 को, ठीक है, राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होने के बाद यही जो 103वां संविधान संशोधन विधेयक है जो बिल है वो 103वां संविधान संशोधन अधिनियम बना। ठीक है, इस अधिनियम में उच्च वर्ग के गरीब लोगों को जो वर्ग में उच्च है लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है उनको सार्वजनिक रोजगार में और शिक्षा के क्षेत्र में कितने प्रतिशत का आरक्षण का प्रावधान किया गया है, 10%। और 9 जनवरी 2019 को 124वें संविधान संशोधन विधेयक 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया। तो ये कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिनको आप याद रखिएगा, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अब देखिए जो ये 103वां संविधान संशोधन है वो उसमें तीन सेक्शंस हैं। तो ये जो सेक्शन 1 है वो शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट के बारे में बताता है। तो सब सेक्शन जो है वन सेक्शन 1 का, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019। सब सेक्शन 2 जो है वो बोलता है कि इट शेल कम इन टू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बी नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट अपॉइंट। तो ये इसका डेट हमने पिछले अभी थोड़ी देर पहले देखा। अब उसके बाद देखिए जो अमेंडमेंट है, तो ये जो सेकेंड वाला सेक्शन है वो बताता है कि अमेंडमेंट करना है आपको आर्टिकल 15। तो यहाँ पे ये बोलता है कि इन आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर क्लॉज 5 द फॉलोइंग क्लॉज शैल बी इंसर्टेड। तो वो आप हमने जो शुरू में देखा है कि जो क्लॉज 6 है वो क्लॉज 5 के बाद अनुच्छेद 15 में जोड़ा जाएगा। और उसके बाद जो तीसरा सेक्शन है वो ये बोलता है कि आपका जो आर्टिकल 16 है, इन आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर क्लॉज 5 द फॉलोइंग क्लॉज मे बी इंसर्टेड नेम। तो क्लॉज 6 जो है वो जोड़ा जाएगा। तो ये था आपका जो 103वां संविधान संशोधन है ना, उसके बारे में बताया गया था। और जो मेन पॉइंट्स आपको मैंने बताया कि आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक संस्थाओं में जो आरक्षण रहेगा वो 6 लाख से कम होगा, संपत्ति का स्वामित्व बताया मैंने आपको, उसके बाद कि विभिन्न स्थानों पर जो संपत्ति होंगी उनको जोड़ा जाएगा, किन किन सदस्यों को लाभ मिलेगा, तो उनका ये की वर्ड्स है। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सार्वजनिक रोजगार में जो आरक्षण है उसकी अर्हता जो है वो ये जो अर्हता बताई गई थी उसी पे मिलेगा। और जो पद मैंने आपको बताए वो तकनीकी और वैज्ञानिक पद जो है वो आरक्षण से मुक्त होंगे, उन पदों के बारे में मैं आपको बताया। तो इस प्रकार ये जो चैप्टर है वो खत्म होता है। ये स्पेशली ईडब्ल्यूएस के बारे में बनाया गया था। और आपको जो चीजें ईडब्ल्यूएस के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको क्या क्या चीजें लिखनी है वो आप नोट कर सकते हैं, कि स्पेशली आप ये देखें कि जो आर्टिकल 15 का क्लॉज 6 है वो लिखेंगे। ये आपको क्या बताता है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण को बताता है। और जो आर्टिकल 16 का क्लॉज 6 है वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण के बारे में उपबंध करता है। और इसी संदर्भ में आपको 103वां संविधान संशोधन अधिनियम है उसको आपको लिखना है। तो अगर ईडब्ल्यूएस पे कोई क्वेश्चन आता है या आपको कभी कोई स्पीच देना होता है तो आप इन सब चीजों को बोल सकते हैं। तो मेरी तरफ से तो खत्म हो गया, अब अगर आपको कोई डाउट होगा तो पूछिए।